नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ शुभम शुक्ला, आपका दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है ग्रुप टेबल्स, और हम चाहें तो यहाँ से भी टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर हमारे जो स्लाइड में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल, इसके थ्रू भी हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके यहाँ से सारे ऑप्शन हमने फर्स्ट वाले टैब में, होम टैब में बताए हुए हैं। आप चाहें वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पूरा तरीके से नॉलेज हो जाए। और यहाँ पे आए टेबल के थ्रू, हम कोई एक टेबल का साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, उतना टेबल हमारा इंसर्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हम अपना कोई डेटा भी दे सकते हैं, ठीक, तो जैसा भी चाहें वैसा हम दे सकते हैं। और यहाँ पर टेबल के बहुत सारे कस्टम मिल जाते हैं, इनके हम जिन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल रो अगर हमको चाहिए, ठीक, फर्स्ट कॉलम इस तरीके से लाइनिंग वाला हो, लास्ट कॉलम लाइनिंग वाला कलर्ड हो, ठीक। तो और भी यहाँ पर बहुत सारे इसके बने बनाए जो मिलते हैं स्टाइल्स, शेडिंग हम दे सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर्स की, जैसे भी चाहते हों। जहाँ पर हम बॉर्डर सप्लाई कर सकते हैं चारों तरफ, अगर बॉर्डर हमें चाहिए किसी भी सेल के चारों तरफ। इफ़ेक्ट्स और भी लगा सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे कोई स्टाइल्स हैं, इनके थ्रू हम आसानी से स्टाइल्स दे सकते हैं किसी भी वर्ड के रिलेटेड, ठीक। तो ये सारी सब टेबल की कस्टमाइजेशन है, आप चाहें तो अपने तरीके से बड़े आसानी से सब कुछ दे सकते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पर पिक्चर्स, जो एलस्ट्रेशन ग्रुप्स है, एलस्ट्रेशन में सबसे पहला है पिक्चर्स। इसके थ्रू हम किसी भी स्लाइड में पिक्चर्स इंसर्ट कराते हैं, जैसे कि हमने ये यहाँ पर कोई पिक्चर सेलेक्ट करी और ये हमने पिक्चर्स को जो है इंसर्ट करा लिया है, ओके। और इस पर भी हम कई ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके। यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, उसे रीकलर कर सकते हैं, यहाँ से रीकलर रहती है, ठीक। कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब पिक्चर को छोटी या बड़ी कर सकते हैं, अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर, और यहाँ पर जाकर के हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक। चेंज पिक्चर, मतलब पिक्चर को हम चाहें तो वहाँ से हटा भी सकते हैं, दूसरी पिक्चर ला सकते हैं, जैसे ये वाली पिक्चर भी दूसरी ला सकते हैं, ठीक। तो ये पिक्चर चेंज कर सकते हैं, रीसेट पिक्चर भी कर सकते हैं, जैसे अगर पिक्चर का साइज़ बड़ा था, हमने छोटा किया था, तो इस तरीके से वो बड़ी हो जाती है, ओके। फिर यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मतलब स्टाइल्स हैं बहुत सारी, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती हैं। तो ये पहले से पड़ी बड़ाई स्टाइल्स हैं, इनके थ्रू हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। देन पिक्चर की शेप है, हम आकृति बदल सकते हैं यहाँ से भी, जैसे हमने इस तरीके की आकृति इसकी बनानी है तो यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर जो है हम सेट कर सकते हैं, मतलब किस कलर का हो, तो इस तरीके से पिक्चर का इफेक्ट भी हम लगा सकते हैं, बहुत सारे हैं, प्रेजेंट ग्लो, ठीक। तो ग्लो में जाएंगे तो बहुत सारे हैं, और हम चाहें तो 3D बना सकते हैं, इस तरीके से 3D दिखेगा, यहाँ पे आ गया 3D, ठीक। फिर यहाँ पे है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक सिलेक्शन पेन है, मतलब अगर हम कई सारे पिक्चर इंसर्ट कराए हैं और कोई पिक्चर ऊपर है तो उसे नीचे भेजने के लिए सेंड टू बैक, या फिर ऊपर लाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे सिलेक्शन पेन पूरा इधर साइड में ओपन हो जाता है। सिलेक्शन पेन पर जब क्लिक करते हैं, अगर दो चार ऑब्जेक्ट हैं तो हम उन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि ये वाली पिक्चर है, अगर हम अभी लाते हैं तो देखिए टेबल के ऊपर आ रही है, अगर हम चाहते हैं कि इसको डाउन में भेजें तो देखिए अब टेबल ऊपर आ गई। तो ये सिलेक्शन पेन ओपन हो जाता है साइड में, जिसके थ्रू हम सेट कर सकते हैं। अलाइन होता है कई सारी चीज़ें, अगर हम सेलेक्ट करें तो उन्हें टॉप मिडिल लेफ्ट साइड में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर थी और सेंटर में अलाइन हो चुकी है। ये सारे ऑप्शन जो है हम होम टैब में भी क्लियर कर चुके हैं, और यहाँ पर भी फिर से हम हल्का फुल्का बताया दे रहे हैं, और आप वहाँ से भी जाके फुल तरीके से देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के क्लिप आर्ट के बारे में। क्लिप आर्ट यहाँ पे जब ओपन करते हैं तो एक पेन ओपन हो जाता है क्लिप आर्ट का, और इनके थ्रू हम क्लिप आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं। सेम सारे जो ऑप्शंस हैं वो सब, जैसे कि जब हमने पिक्चर इंसर्ट कराई थी तो मिले थे, सेम यहाँ पर भी मिलते हैं, और वो सारे ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं क्लिक करके। फिर उसके बाद में इंसर्ट टैब में फिर आते हैं, अगला है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम क्या होता है, बेसिकली जैसे कि हमने कई सारी फोटो इंसर्ट कराई हैं और उनकी एल्बम क्रिएट करना, जैसे यहाँ पे आए न्यू फोटो एल्बम पे हमने क्लिक करा, और यहाँ से हम चाहें तो एक एक करके फ़ोटो इंसर्ट कराते हैं। फाइल डिस्क पे गए, हमने से मान ली ये फ़ोटो ले ली, इंसर्ट कराई, ओके। फिर हम गए फाइल डिस्क पे और हमने एक दूसरी फोटो एल्बम ली, हमने ये ले ली और इंसर्ट कराई, ओके। फिर हमने ले ली एक तीसरी कोई फ़ोटो, ये भी इंसर्ट कराई फोटो एल्बम में। फिर जाकर के हम इसमें जो है ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे हमको चाहिए कि कोई पिक्चर ऊपर चाहिए, वो नीचे चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन कस्टमाइजिंग है और इनको हम सेट कर सकते हैं। फिर हम ये फ़ोटो एल्बम जो है क्रिएट कर देते हैं, ठीक। इस तरीके से हमारी फ़ोटो एल्बम ये क्रिएट हो चुकी है, और ये हमारा देखिए फ़ोटो एल्बम बाय विंडो यूज़र,
सेकंड पे हमारी फ़ोटो आ जाती है इस तरीके से, तीसरे पे चौथे पे जैसे भी हमने सेट करा था उस तरीके से आ जाती है। हर एक स्लाइड में एक चीज़ और भी बताते हैं कि सबसे नीचे आती है क्लिक टू ऐड नोट्स। यहाँ पर जो नोट्स लिखे जाते हैं, जैसे कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप किसी, जैसे ये स्लाइड ओपन है इसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर कुछ नोट्स डाल सकते हैं जो कि सामने बैठी जो ऑडियंस है उनको नहीं दिखते हैं, ये केवल आपके हिंट के लिए हैं। जैसे ही प्रेजेंटेशन के बारे में हमें कुछ ऐसा बोलना था जो हमें अचानक से याद नहीं रहता, तो हम यहाँ पर नोट्स डाल देते हैं उस स्लाइड पर, ताकि हम जब ये स्लाइड्स आए तो हम उसके बारे में बता पाएँ। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ से फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। फिर सेप है जिनके थ्रू हम आकृतियाँ इंसर्ट कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो हम सेप के थ्रू कोई भी जैसे आकृति सेलेक्ट करी और इसके के थ्रू हम यहाँ पर आकृतियाँ इंसर्ट करा पाएंगे। फिर है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होती है? जो पहले से बनी बनाई चीज़ें हैं उन पर विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन लगाना, स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, होम पे आए को एक नई स्लाइड इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक, ये इंसर्ट कराई, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया और इनको बुलेट्स के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, एंटर कराया, फिर इसको ले लिया, इसको इसके फॉर्म में ले लिया। ठीक, इस तरीके से अगर हम यहीं पर आते हैं इंसर्ट पे और यहाँ स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यह पूछता है किस तरीके की आर्ट लेना चाहते हो, और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब इस तरीके से हमारा डेटा आ चुका है। मतलब यहाँ पे हम चाहें तो पिक्चर इंसर्ट करा लें और फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट दे दें, और यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि करके हम उनका लेआउट दे सकते हैं, उनके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए इन दिनों के कलर चेंज हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट आर्ट के थ्रू होती हैं। चार्ट पे क्या होता है, जब हम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी एनालिसिस किसी चीज़ के बारे में देना हो तो उसे चार्ट इंसर्ट कराया जाता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, आप चाहें तो वहाँ से भी डिटेल से देख सकते हैं। फिर हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हम कोई स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पर हम देखिए अभी ये फोटो एल्बम है लेकिन मैं इसी को ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है और हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस वाले वर्ड पर हम हाइपरलिंक लगाते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने, हाइपरलिंक पे क्लिक किया और यहाँ पर हम कोई एक क्या बोल सकते हो, मतलब कुछ लिंक देना फाइल का, जिसे कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लो, हमने इसे ए नाम की कोई फाइल है और इसको सेलेक्ट किया। ओके, अब हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो नीले कलर का दिखाई पड़ने लग गया। क्वेश्चन भी पूछता है कि हाइपरलिंक लगा हुआ टेक्स्ट किस तरीके, कौन से कलर में दिखाई पड़ता है, नीले कलर में दिखाई पड़ता है। अगर हम इस हाइपरलिंक को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पर जब हम आते हैं, और जब ये सॉरी ये चीज़ जो है हमारी जब स्लाइड जब रन होगी, यहाँ पर स्लाइड शो रन होता है, तो इसके थ्रू हम उस वाली फाइल पर पहुँच सकते हैं। ठीक, ये हाइपरलिंक हमारा ऑन हो चुका है और स्लाइड शो वगैरह इस तरीके से रन होता है, यहाँ पर यह स्लाइड शो रन है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा हाथ के रूप में शो हो रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने सेलेक्ट करी है वो सीधे वहाँ पर खोलेगा। ठीक, तो इसे आप टेस्ट कर सकते हैं खुद से भी। फिर बात करेंगे हम एक्सेल, जो सबसे ज़्यादा हाइपरलिंक चूँकि सब में है, आप एक्सेल भी देख सकते हैं, एमएस वर्ड भी है, लेकिन एक्सेल जो है वो एक नई चीज़ है चूँकि पावर पॉइंट में है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब एक्सेल क्या है बेसिकली, जैसे कि माना कि हम इस वाली स्लाइड पे हैं, ठीक, और हम यहाँ पे आकर के कोई एक पहले सेप इंसर्ट कराते हैं जो कि एक्सेल का काम करेगी। जैसे कि हमने क्या किया, कोई अच्छी सी चीज़, एरो नहीं दिख रहा है, एरो, हाँ ये देखिए एक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एरो इंसर्ट करा लिया। ठीक, अब ये एरो है, हम इसको एक्शन बटन बनाएंगे। ठीक, एरो पे क्लिक किया, एक्शन पे आए, यहाँ पे लिखा है माउस क्लिक, माउस ओवर। दो तरीके के हम एक्शन लगा सकते हैं, जब माउस से क्लिक करें इस पर या फिर माउस केवल ले जाएँ इस पर, दोनों ही लगा सकते हैं। यहाँ पे पहले से नल लगा हुआ है, हम इसको हाइपर लिंक टू लगाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड लगा हुआ है, मतलब कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये नेक्स्ट स्लाइड को ले जाए। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से लास्ट स्लाइड, जैसे भी जो भी स्लाइड लगाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये होता है कि वैसे क्या होता है, हम बेसिकली या तो कोई की प्रेस करेंगे, मतलब स्पेस प्रेस करेंगे तब जाता है, और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग मॉडर्न तरीके से अगर हम इस पर क्लिक कर दें तब भी अगली स्लाइड पर पहुँच जाए, तो ये अच्छा सा थोड़ा लगता है, इसलिए प्रेजेंटेशन में
लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए अगर हम इस पर जो है अभी हम स्लाइड्स को ऑन करते हैं फिर देखते हैं इसको आप अच्छे समझ पाएंगे। स्लाइड्स को हमने ऑन किया और यहाँ पर देखिए ये तो हाइपर लिंक था और ये हमारा जो है नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाएगा। देखिए अब इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। तो इस तरीके से हम कई सारी स्लाइड्स पर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्लाइड या प्रीवियस स्लाइड ले जाने के लिए एक्शन बटन का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि नेक्स्ट स्लाइड एक्शन बटन का यूज़ क्या होता है, तो विभिन्न टाइप के एक्शन लगाने के लिए करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्या है कि कहीं कहीं पर भी हमको कोई अगर टेक्स्ट इंसर्ट कराना हो तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा लिए हैं और इस पर वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू टेक्स्ट इंसर्ट कराते हैं। हेडर एंड फुटर क्या है? हेडर एंड फुटर जो होते हैं बेसिकली हमारी स्लाइड्स के ऊपर अबव और नीचे लगाने के लिए। ये सारे ऑप्शन जैसे हेडर एंड फुटर में ये डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ये सारे यहाँ पर भी आ जाते हैं। एक एक इसको भी ओपन करेंगे तब भी यही आएगा। डेट एंड टाइम पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारी जो डेट है वो हमारी स्लाइड में शो होगी। अगर हम इस पर क्लिक कर दें, स्लाइड नंबर दे दें या फुटर दे दें, जो भी देना चाहते हैं। जैसे कि हम फुटर में डाल देते हैं, जैसे अपना ही नाम मैं डाल दूँ, ठीक, BHAM। अगर हम इस पर क्लिक कर दें और अप्लाई टू ऑल कर दें तो हर एक स्लाइड में हमारा देखिए यहाँ पर डेट आ चुकी है और यहाँ पे मेरा नेम आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी नेम अपना आप खुद डाल सकते हैं अपनी जो स्लाइड डिज़ाइन करें। तो हेडर फुटर के थ्रू हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। हेडर में क्या रहेगा, फुटर में क्या रहेगा। वर्ड आर्ट में विभिन्न प्रकार की स्टाइलिश वर्ड आर्ट होती हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छे अच्छे वर्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी है, ये वर्ड आर्ट है, ओके, और ये वर्ड आर्ट हमारी जो है बन चुकी है। इसको चाहें तो हम कहीं भी इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, वर्ड आर्ट में मतलब स्टाइलिश वर्ड को लिखने के लिए। क्वेश्चन भी पूछता है स्टाइलिश वर्ड किसके थ्रू लिखे जाते हैं, वर्ड आर्ट के थ्रू। फिर इंसर्ट पे जाते हैं, फिर डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं तो सेम वही आता है जो हमने हेडर एंड फुटर पे जब क्लिक किया था। ठीक है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करें तभी यही आएगा, स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे तभी यही आएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसी में ही हैं। स्लाइड नंबर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी स्लाइड की नंबरिंग पता चल जाती है, कौन से नंबर की स्लाइड है। ओके, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो स्लाइड नंबर पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पर दूसरी नंबर की स्लाइड दर्शा रहा है, फर्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दर्शा रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम स्लाइड नंबर दे सकते हैं, स्लाइड नंबर पे क्लिक करते हैं तो भी वही आएगा। ओके, फिर हम बात करेंगे सिंबल्स की। सिंबल्स कहीं पर भी इंसर्ट कराया, मतलब कोई अगर कहीं पर हमें सिंबल इंसर्ट कराने हो तो उनके थ्रू इनका यूज़ करते हैं। ये सारे ऑप्शन आप उसमें भी देख चुके हैं, ऐसा सिंबल जो हमें कीबोर्ड में मिलता है उसके थ्रू इंसर्ट कराते हैं। फिर ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हमें जो होता है एक नया एप्लीकेशन ओपन करने का एक मौका मिलता है, मतलब पावर पॉइंट में कोई अनदर एप्लीकेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बिट मैप इमेज नाम का एप्लीकेशन जो है इस पर ओके किया, तो देखिए बिट मैप इमेज जो होता है इसी पावर पॉइंट में हमारा ओपन हो जाता है इस तरीके से। और इस पर हम कुछ भी अगर बना लेते हैं, जैसे माना कि हमने ये एक शेप तैयार करी और इसमें हमने कलर फिलअप करा, यहाँ पे आए और हमने ये ग्रीन कलर ले लिया है और ओके यहाँ पे हमने शेप गए और यहाँ पे हमने येलो कलर ले लिया, यहाँ पे फिलअप कर दिया। ओके, अब हम इसको काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो हमने बनाया वहाँ पर यही आ चुका है। ठीक, तो एक एप्लीकेशन में किसी अनदर एप्लीकेशन को ले जाकर यूज करना ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। मूवी के थ्रू जो है हम कोई भी वीडियो क्लिप लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मूवी फ्रॉम फाइल पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारी जो फाइल्स पड़ी हैं डेस्कटॉप में लोकल डिस्क सी डी ई जिसमें भी पड़ी हो हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिप ऑर्गेनाइजर, यहाँ से क्लिप आ जाती है जिनके थ्रू हम कोई क्लिप लगा सकते हैं। ठीक, फिर साउंड पे क्या होता है, बेसिकली हमारे स्लाइड पे अगर कोई साउंड इंसर्ट कराना हो म्यूज़िक, तो हम इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। साउंड पे जब क्लिक करते हैं, साउंड और मूवी पर एक बहुत लेंथी वीडियो भी बन सकता है क्योंकि ये दोनों जो हैं अलग अलग टाइप से यूज़ करे जाते हैं। साउंड फ्रॉम फाइल मतलब कि अगर हमारे पहले से कोई साउंड पड़ा हुआ है तो उसको यूज़ कराने के लिए, या फिर साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, क्लिप ऑर्गेनाइजर में ये साउंड पड़े रहते हैं, इनको भी हम चाहें तो अपनी स्लाइड में इंसर्ट करा सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये प्ले होंगे इस तरीके से, या फिर हम क्लिक करें तब प्ले हों, ये दोनों चीज़ें आती हैं। और ये चीज़ें एक और ओपन हो जाती है ऑप्शन, तो इनके थ्रू हम साउंड को प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, उसका वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई कैसा भी हो, है हाई ड्यूरिंग शो, जब ये मतलब ये जो इसकी क्लिप है ये शो होनी चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं।
फिर इसी में ही एक बचता है प्ले सीडी, ऑडियो ट्रैक, अगर हम सीडी लगाए हुए हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या रिकॉर्ड भी करा सकते हैं। रिकॉर्ड साउंड पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड करने का मौका देता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको कोई रिकॉर्ड नेम दे दो और उसको अपना रिकॉर्ड यहाँ पर बना सकते हो। स्लाइड, किसी स्लाइड पर मतलब रिकॉर्डिंग करानी हो तो वो वहाँ पर बोलेगा ओके, तो यहाँ से साउंड रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पर हमारा जो है इंसर्ट टैब समाप्त होता है ये। और वीडियो अगर आपको बताएं वीडियो कैसा लगा, और सारे ऑप्शंस में से अगर आप भी किसी में डाउट है तो हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं आपको फिर से एक अच्छे तरीके से बता दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन वैसे प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सके और आप रहें सबसे आगे। अगर आपको लगता है जो लोग आपके खास हैं और ये वीडियो उनके काम आ सकता है तो उनको अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।